असम चुनाव के दो चरणों का मतदान होने के बाद बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच चल रही बड़ी साजिश का खुलासा किया है। प्रियंका गांधी ने बताया कि असम में जिस जगह चुनाव आयोग की गाड़ी खराब हुई, ठीक उसके बाद एक गाड़ी आती है जो बीजेपी नेता की है। उस गाड़ी में ईवीएम मशीन रखी जाती है और गाड़ी चली जाती है। प्रियंका गांधी ने बताया, इस दौरान ना तो ईवीएम मशीन के साथ कोई सुरक्षा कर्मी मौजूद था और ना ही कोई अन्य अधिकारी। प्रियंका ने कहा, बीजेपी जिस तरह से चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी हार के डर से इस तरह का कदम उठा रही है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए इस तरह का कदम उठाया। इससे बीजेपी की नीति के बारे में भी पता चलता है और इसके साथ ही यह भी पता चलता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं करवा रही। ऐसे में प्रियंका गांधी ने एक बार फिर बीजेपी की पोल खोल दी है। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।